महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले 11 अप्रैल 1827 28 नवंबर 1890 एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। पुस्तक गुलामगिरी, महिलाओं व दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था और जीवन यापन के लिए बाग बगीचों में माली का काम करता था। ज्योतिबा जब मात्र 1 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया था। ज्योतिबा का लालन पालन सगुनाबाई नामक एक दाई ने किया। सगुनाबाई ने ही उन्हें माँ की ममता और दुलार दिया। 7 वर्ष की आयु में ज्योतिबा को गांव के स्कूल में पढ़ने भेजा गया। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ने की ललक बनी रही। सगुनाबाई ने बालक ज्योतिबा को घर में ही पढ़ाने में मदद की। घरेलू कार्यों के बाद जो समय बचता उसमें वह किताबें पढ़ते थे। ज्योतिबा पास पड़ोस के बुजुर्गों से विभिन्न विषयों में चर्चा करते थे। लोग बातों से बहुत प्रभावित होते थे। पेशवाई के अस्त के बाद अंग्रेजी हुकूमत की वजह से हुए बदलाव के ईस्वी सन 1840 के बाद दृश्य स्वरूप आया। हिंदू समाज के सामाजिक रूढ़ी परंपरा के खिलाफ बहुत से सुधारक आवाज उठाने लगे। इन सुधारकों ने स्त्री शिक्षण, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, सम्मति व बाल विवाह आदि सामाजिक विषयों पर लोगों को जगाने की कोशिश की। लेकिन 19वीं सदी के ये सुधारक हिंदू परंपरा के वर्ग में अपनी भूमिका रखते थे और समाज सुधारणा की कोशिश करते थे। महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने भारत के इस सामाजिक आंदोलन से महाराष्ट्र में नई दिशा दी। उन्होंने वर्ण संस्था और जाति संस्था ये शोषण की व्यवस्था है और जब तक इनका पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक एक समाज की निर्मिति असंभव है, ऐसी स्पष्ट भूमिका रखी। ऐसी भूमिका लेने वाले वो पहले भारतीय थे। जाति व्यवस्था निर्मूलन के कल्पना और आंदोलन के उसी वजह से वो जनक साबित हुए। महात्मा फुले, इन्होंने अछूत स्त्रियों और मेहनत करने वाले लोग इनके बाजू में जितनी कोशिश की जा सकती थी उतनी कोशिश जिंदगी भर फुले ने की है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन, ब्रह्मोत्तर आंदोलन, बहुजन समाज को आत्मसम्मान देने की, किसानों के अधिकार की ऐसी बहुत सी लड़ाइयों को प्रारंभ किया। सत्यशोधक समाज ये भारतीय सामाजिक क्रांति के लिए कोशिश करने वाली अग्रणी संस्था बनी। महात्मा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ने के बाद 1848 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए भारत की पहली प्रशाला खोली। 24 सितंबर 1873 को उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वह इस संस्था के पहले कार्यकारी व्यवस्थापक तथा कोषपाल भी थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज में शूद्रों पर हो रहे शोषण तथा दुर्व्यवहार पर अंकुश लगाना था। ज्योतिबा मैट्रिक पास थे और उनके घर वाले चाहते थे कि वो अच्छे वेतन पर सरकारी कर्मचारी बन जाए, लेकिन ज्योतिबा ने अपना सारा जीवन दलितों की सेवा में बिताने का निश्चय किया था। उन दिनों में स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब थी क्योंकि घर के कामों तक ही उनका दायरा था। बचपन में शादी हो जाने के कारण स्त्रियों के पढ़ने लिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। दुर्भाग्य से अगर कोई बचपन में ही विधवा हो जाती थी तो उसके साथ बड़ा अन्याय होता था। तब उन्होंने सोचा कि यदि भावी पीढ़ी का निर्माण करने वाली माताएं ही अंधकार में डूबी रहेगी तो देश का क्या होगा, और उन्होंने माताओं के पढ़ने पर जोर दिया था। उन्होंने विधवाओं और महिला कल्याण के लिए काफी काम किया था। किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के भी काफी प्रयास किए थे।
स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा और उनकी पत्नी ने मिलकर 1848 में खुल खोला, जो देश का पहला महिला विद्यालय था। उस दौर में लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू कर दिया और उनको इतना योग्य बना दिया कि वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा सके। ज्योतिबा यह जानते थे कि वे देश व समाज की वास्तविक उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक देश का बच्चा बच्चा जाति पाति के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता। साथ ही देश की नारियां समाज के प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार नहीं पा लेती। उन्होंने तात्कालीन समय के भारतीय नवयुवकों का आवाहन किया कि वे देश समाज संस्कृति को सामाजिक बुराइयों तथा अशिक्षा से मुक्त करें और एक स्वस्थ सुंदर सुदृढ़ समाज का निर्माण करें। मनुष्य के लिए समाज सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इससे अच्छी ईश्वर सेवा कोई नहीं। महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार के पिता समझे जाने वाले महात्मा फुले ने आजीवन सामाजिक सुधार हेतु कार्य किया। वे पढ़ने लिखने को कुलीन लोगों की बपौती नहीं मानते थे। मानव मानव के बीच का भेद उन्हें असहनीय लगता था। दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज स्थापित किया। उनकी समाज सेवा देकर 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई हाईकोर्ट से भी मान्यता मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। वे लोकमान्य के प्रशंसकों में थे। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक विधवा के बच्चे को गोद लिया था। यह बच्चा बड़ा होकर एक डॉक्टर बना और इसने भी अपनी माता पिता के समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाया। मानवता की भलाई के लिए किए गए ज्योतिबा के इन निस्वार्थ कार्यों के कारण मैं 1888 में उस समय के एक और महान समाज सुधारक राव बहादुर विठ्ठलराव कृष्णाजी वांदेकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। जुलाई 1888 में उन्हें लकवे का अटैक आ गया, जिसकी वजह से उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उनका जोश और मन कभी कमजोर नहीं हुआ था। 27 नवंबर 1890 को उन्होंने अपने सभी हितैषियों को बुलाया और कहा कि मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने जीवन में जिन जिन कार्यों को हाथ में लिया है उसे पूरा किया है। मेरी पत्नी सावित्री ने हरदम परछाई की तरह मेरा साथ दिया है और मेरा पुत्र यशवंत अभी छोटा है और मैं इन दोनों को आपके हवाले करता हूँ। इतना कहते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनकी पत्नी ने उन्हें संभाला। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले ने देह त्याग दिया और एक महान समाज सेवी इस दुनिया से विदा हो गया। महात्मा फुले ने समाज कार्य करते हुए अनेक पुस्तकें भी लिखी। ये सभी पुस्तकें उनके कार्य को गति प्रदान करती है। इनमें तृतीय रत्न, ब्राह्मणांचे कसाब, इशारा, पोवाड़ा छत्रपति शिवाजी भोसले यांचा, अस्पृश्यांची कैफियत इत्यादि प्रमुख है। ज्योतिबा फुले ने अपने कार्य से अनेक लोगों को प्रभावित किया। यह प्रभाव उनकी मृत्यु पर्यंत भी बना रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उनसे काफी प्रभावित हुए और महात्मा की ही राह पर चलते हुए उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए, जिनका प्रत्यक्ष परिणाम आज देखा जा सकता है।